सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम लोग आकर्षित होते हैं बाहर की चीजों से, लेकिन भगवान आकर्षित होते हैं आपके मन से, आपके अंदर की सुंदरता से। विचार ये है कि आप सोच क्या रहे हैं। आपकी शरीर की क्रिया से प्रभु को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके मन से, क्योंकि प्रभु की जिम्मेदारी आपके मन की है, वो मन को देखते हैं। एक वेश्या थी, तो उसका जो घर था वो एक बढ़िया विद्वान ब्राह्मण के बिल्कुल पड़ोस में था। और पंडित जी रात दिन वेदों का मंत्र पढ़ते थे, स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाहा, रात दिन। अब बार बार वेश्या का घर, क्योंकि पड़ोस में था, रात दिन आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, ढोल नगाड़े की, नाच गाने की उन्हें आवाज सुनाई देती। तो बार बार बोलते, अरे कहाँ, कौन से पाप की सजा प्रभु ने मुझे दी जो यहाँ का पड़ोसी बना दिया। वेश्याओं को रात दिन गाली देते थे उस वेश्या को। एक दिन उस वेश्या से कहा, तुझे तेरे किए का फल मिलेगा, तू ये जो रात दिन गलत काम कर रही है इसका फल तुझे मिलेगा। वो वेश्या डर जाती, चुपचाप हो अंदर चली जाती। रात दिन सोचती कि अगर भगवान ने मुझे ये ऐसा परिवेश ना दिया होता, आज ऐसा मुझे माहौल नहीं दिया होता, तो मैं भी पंडित जी की तरह भगवान का भजन कर रही होती, लेकिन यहाँ से मैं अब निकल नहीं सकती, कोई मुझे यहाँ से बाहर जीने नहीं देगा, क्योंकि लोगों ने मुझे गलत मान लिया है, अब मैं सही होकर कैसे चलूंगी इस दुनिया में। रोती, पंडित जी के वेदों के मंत्र उसके कान में पड़ते, तो फिर द्रविभूत की मैं बहुत गलत कर रही हूँ और उसका दंड मुझे मिलेगा। प्रभु मुझे भी ऐसा जन्म दिया होता कि मैं किसी ऐसे ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेती कि आपकी पूजा पाठ करती, और वहाँ पंडित जी पूजा पाठ कर रहे हैं, वेदों के मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन चिंतन उस वेश्या का चल रहा है। ये वेश्या, देखो एक आदमी गया, अब वो क्या करते थे कि एक दिन अपने बगीचे में जो जो आदमी जाता था, जैसे एक आदमी गया तो वो कंकड़ रखते थे, बस अपने बगीचे में कंकड़ रख देते, इतना आज इतने आदमी आए, आज इतने आदमी आए। और एक दिन जाकर उस वेश्या से बोले, तेरे सब पाप कर्म का हिसाब हमारे पास है, देख तेरे ये जितने तूने पाप किए इसका पहाड़ बन चुका है देख मेरे बगीचे पे। डर गई एक दिन। कहते हैं पुराण की कथा है कि एक बार दोनों ही पंडित जी और वेश्या की मृत्यु हुई। तो जिस समय यम के दूत लेने आते हैं ना, तो पंडित जी के घर पर आए, पंडित जी से कहा, चलो यम के लोग, क्योंकि उस वेश्या को भगवत प्राप्ति हुई जिसने गलत काम किया, लेकिन पंडित जी अच्छे कार्य कर रहे थे उस शरीर से, लेकिन उनको यमलोक की प्राप्ति हुई। यम के दूतों ने कहा कि चलो हमारे साथ, आपने गलत किया है। उसने कहा, नहीं नहीं, यमराज को गलती हो गई है, ये जो घर का एड्रेस है ना, इसका एक नंबर, एक डिजिट उन्होंने गलत डाल दिया, मेरा नंबर डाल दिया, पड़ोसी के काम है ये, तुम उसके पास जाओ, ये मेरा वाला काम नहीं है, मैंने तो अच्छे काम किए हैं, मैंने तो हमेशा पूजा पाठ की है, हमेशा भगवान का नाम लिया है, वो यमराज से ही कुछ गलती हो गई है, एक नंबर का फर्क है, वो पड़ोस वाले घर का। उन्होंने कहा, नहीं नहीं सही नंबर है, काम तुमने गलत किए। बोले, क्यों, मैं तो रात दिन भगवत भजन करता था, वो तो रात दिन गलत कार्य करती थी। कहा, वो गलत कार्य जानबूझकर नहीं, उसके कारण था उसका गलत कार्य करने का, लेकिन वो मन से भगवान का भजन करती थी, मन से रात दिन उसको त्याग करके और प्रभु के नाम में ही खोई रहती थी, कि कभी प्रायश्चित करती थी, लेकिन तुम भगवान का भजन करते हुए भी मन उसके चिंतन में और उसके पापों को गिनने में लगाते थे, कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, रात दिन उसके कार्यों को देख करके तुमने भगवान का नाम लिया कहाँ से। शरीर की क्रिया से भगवान नहीं रीझते, आप कितना भी कहीं जाइए, कितना भी घंटी घुमाइए, कितने भी मंदिर के खूब चक्कर लगा दीजिए, अगर मन से नहीं पहुंचे तो आप कहीं नहीं जा सकते, आपकी पूजा बनी नहीं। कोई आपसे कहे
आप कहीं जाएं, हम नहीं समझ पाते ना किसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन भगवान से कोई धोखा थोड़ा ना कर सकता है महाराज, उन्हें तो आपके मन की एक एक मिनट के विचार के बारे में पता है तुम क्या सोच रहे हो। वहां गड़बड़ नहीं हो सकती। दो मित्र हैं, आपस में मिले। एक दिन एक मित्र को दूसरा मित्र मिलने गया तो पहले मित्र ने सोचा, अरे छुप जाऊं, आफत आ गई, बहुत सारा खर्चा होगा, चाय पानी नाश्ता सब कराना पड़ेगा, छुप जाता हूं। लेकिन याद आया, इस मित्र से तो मेरा बड़ा काम है, इससे बात नहीं की तो मेरा महत्वपूर्ण काम रह जाएगा, जो मैंने एक काम करवाना था, अगर मैं इससे नहीं मिला तो। वो स्वार्थ याद आया तो उसको बुलाया, आओ भाई, अपनी पत्नी से बोलता है, जाओ इसके लिए पूरी कचौड़ी बनाकर लेके आओ, चाय नाश्ता लगाओ। मेरा मित्र इतने दिन बाद आया है और अपने मित्र से कहता, तुम इतने दिन बाद बड़े बेकार इंसान हो, कम से कम अपने मित्र के पास महीने में एक आध दो बार चक्कर लगा लेते हैं। तो सामने वाले को क्या लगता है कि मेरा मित्र मुझसे कितना प्यार करता है, देखो। लेकिन उसे भीतर के बारे में नहीं पता, काम निकलवाने के लिए तुम्हारी इतनी सम्मान किए जा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं होता काम तो ये छुप जाता, तुमसे मिलता भी नहीं। हम संसार वाले नहीं पहचान पाते, लेकिन भगवान क्या नहीं चलता। आप यहाँ सत्संग में बैठकर राम राम जप रहे हो मुख से, लेकिन मन से कहीं अन्यत्र हो तो नहीं आप कि वो पूजा आपका भजन नहीं बन सकता। मुख में कहो गोविंदा गोपाला और मन सोच रहा है चाय का प्याला, तो फिर फायदा ही क्या। प्रभु कहेंगे, आप ये कहेंगे नहीं हमने तो भजन किया, सत्संग खूब लिया, प्रभु कहेंगे झूठो, तुमने कहा तुम्हारी तो दृष्टि, तुम्हारा तो मन जो था वो अन्य अन्यत्र जगह था। तो प्रभु मन को देखते हैं और इस मन को संभालने के लिए ही तो ये कथा है। इसलिए शास्त्र में कहा, भागवत में कहा, ये मन बड़ा प्रभु ने शुद्ध कर कर भेजा था जब हमें जन्म दिया था, लेकिन रात दिन के कर्मों ने हमारे मन को बिगाड़ दिया है। इसलिए भगवान के भजन में अगर आप बैठेंगे तो आपका मन चंचल रहेगा, ये लग नहीं सकता। ये लगेगा तब जब आप पर गुरु की कृपा होगी, ये लगेगा तब जब आप पर प्रभु की कृपा होगी, ये लगेगा तब जब आप पर किसी संत की कृपा होगी, अन्यथा ये बड़ा चंचल है, एक जगह नहीं टिक सकता।